गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सौरभ प्रदर्शी फिर से आपका एक रिपब्लिका IAS में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता है कि आज हिस्ट्री के जो है कई सीरीज चल रहे हैं। हिस्ट्री के इस सीरीज में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की। दोस्तों इससे पहले कि दोस्तों मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं, रिपब्लिका IAS की ओर से जो सुविधाएँ स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाई जा रही है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रिपब्लिका IAS की ओर से दोस्तों 16 जुलाई से जो है 68 BPSC प्रीलिम्स के लिए जो है क्लासेस स्टार्ट की जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे, ऑनलाइन सेशंस भी मिलेगा। आप जो है फिजिकली जो है कॉन्टेक्ट करके जो है ऑनलाइन सेशन में भाग ले सकते हैं, अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, और ज़रूरत पड़े तो आप जो है यहाँ के ऑफिस पर भी विजिट कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण सुविधा दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि वैसे छात्र जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, जो फी देने में ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं, उनके लिए EMI की भी सुविधा जो है इस रिपब्लिका IAS के प्लेटफॉर्म से मिल रही है। आप इंस्टॉलमेंट में भी, 3 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट दोस्तों कर सकते हैं, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं और उस पर कोई इंटरेस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको जो है नहीं लगेगा दोस्तों। तो आप जल्द से जल्द दोस्तों इनरोल्ड हो जाएं और इनरोल्ड होकर जो है गूगल प्ले स्टोर से जाकर रिपब्लिका IAS का जो है आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां जाकर इनरोलमेंट करवा सकते हैं और आप अपने इच्छा अनुसार और अपने आवश्यकता के अनुसार जो है अपने अपनी चीज़ों को परचेज, अपने अपने प्रोडक्ट को दोस्तों परचेज कर सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली सल्तनत की। दोस्तों बात करना हूँ दिल्ली सल्तनत, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको पता ही होगा प्रत्येक एग्जाम में दिल्ली सल्तनत से कुछ ना कुछ प्रश्न रहते ही हैं और कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं खास करके उसके बारे में चर्चा की जाएगी जिससे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में इससे प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं आज के टॉपिक्स पर कि आज कौन कौन से प्रश्न हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। इससे पहले दोस्तों हम इस फिगर को देखते हैं जो कि दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई है। ये दिल्ली सल्तनत की शुरुआती फिगर है जो स्लेव डायनेस्टी की फिगर है, यानी कि गुलाम वंश की जब स्थापना होती है दिल्ली पर, तुर्कों का आक्रमण होता है और गुलाम वंश की स्थापना होती है, तो उस समय का दोस्तों ये मैप है, फिगर है। आपको पता ही है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है तुर्क सत्ता स्थापित की जाती है पहली बार दिल्ली पर। मोहम्मद गौरी जो है 1075 में पहली बार आक्रमण करता है, फिर 1178 में आक्रमण करता है गुजरात पर जहाँ उसकी हार हो जाती है, फिर तराइन का 2 युद्ध लड़ता है कंटिन्यू 1191 और 1192 में। पहले युद्ध में तो हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से 1191 में, फिर जाकर जब दूसरा युद्ध होता है अगले ही वर्ष 1192 में तो उसकी जीत होती है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत पर तुर्कों की सत्ता जो है स्थापित हो जाती है। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ही जो है स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की स्थापना होती है। जो गुलाम वंश का संस्थापक होता है वो कौन होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है जो कि जो मोहम्मद गौरी का ही क्या था, सिपा सलार था, या कह लीजिए आप एक तरीके से सेनापति था, ठीक है, उसके सेना का नेतृत्व करता था। तो गौरी के मरने के बाद ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की नींव डाली जाती है। दोस्तों मैप में जो है गुलाम वंश के शुरुआती जो गुलाम वंश की स्थापना हो रही है और उसका क्या जो है साम्राज्य का जो विस्तार कहाँ कहाँ और कैसे कैसे था वो दिखाया जा रहा है। तो इसे आप समझ लीजिए, अगर हम पश्चिम की दोस्तों बात करेंगे तो ये इंडस नदी है यानी सिंधु नदी है, तो पश्चिम में इनका बॉर्डर जो है सिंधु नदी को टच करता था और सिंधु के पश्चिम में मंगोलों का जो था प्रभुत्व था यानी मंगोलों का अधिकार था। तो इसके पश्चिम में ही नहीं थे, सिंधु इनका लास्ट बॉर्डर था पश्चिम की ओर। पूर्व की ओर जाएंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट जो है बिहार बंगाल की तरफ था इनका, और उत्तर की ओर जाएंगे दोस्तों तो उत्तर की ओर जाने पर शुरुआती साम्राज्य जो था इसका कश्मीर तक चला जाता है, और नीचे हम दक्षिण की दोस्तों बात करें तो मध्य प्रदेश का उज्जैन जो विंध्याचल वाला जो एरिया है, ठीक है, नर्मदा से टच करता हुआ एरिया जो है उस एरिया तक जो था ये कवर कर चुके थे, यानी इनके साम्राज्य का विस्तार इस क्षेत्र तक हो चुका था। नीचे बहुत सारे स्वतंत्र शासक अब भी थे, तो कुल मिलाकर जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य भी नहीं बोलेंगे तो ऑलमोस्ट 40% इंडिया जो था इनके शुरुआती कवर में, 30-40% इंडिया इनके शुरुआती कवर में हम शामिल कर लेंगे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी आएगा तब जाकर इसका और भी ज़्यादा एक्सटेंशन, साम्राज्य का और भी विस्तार होगा दक्षिण की ओर जब अलाउद्दीन जो है अपना सैन्य अभियान करके उसे विजित कर लेगा या फिर अपने अप्रत्यक्ष नियंत्रण में, परोक्ष नियंत्रण में ले आएगा तो साम्राज्य विस्तार होगा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में तुगलक डायनेस्टी में जब हम आएंगे तो वहां देखेंगे इनका साम्राज्य का और भी ज्यादा विस्तार होता है, चरम पर चला जाता है। फिर जाकर जो है हम आगे बात करेंगे मुगलों की और ब्रिटिशों की, तो वो तो खैर बात की बातें हैं। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी की। ओके देखते हैं दोस्तों, तो पहला प्रश्न क्या है आज इससे जुड़ा हुआ, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की मैं बात कर रहा हूं और इससे जुड़ा जो पहला प्रश्न है
अगर आप पीरियड की बात करें दोस्तों, तो पीरियड देख सकते हैं, गुलाम वंश 1206 में स्थापित हुआ। अभी मैंने बताया कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई और 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश कायम रहता है। इसके बाद खिलजी क्रांति होती है और खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड रहा था, हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण शासक आते हैं अलाउद्दीन खिलजी इस पीरियड में। 1290 से 1320 तक इनका पीरियड है। फिर तुगलकों का जो डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है, तुगलक जो 1320 से 1414 तक है, इनका पीरियड थोड़ा बड़ा है। फिर सैयद है, इनका भी पीरियड छोटा है, 1414 से लेकर 1450-51 तक रहते हैं। फिर अंत में लोदियों का शासन आता है, 1451 से लेकर 1526 तक जो है इनका शासन रहता है। और लोदी के जाने के बाद, या कह लीजिए कि लोदियों का जब पतन हो जाता है, इब्राहिम लोदी जब पानीपत के युद्ध में, प्रथम युद्ध में हार जाता है बाबर के हाथों, तो बाबर के द्वारा जो है मुगल सत्ता की स्थापना कर दी जाती है और इस प्रकार से सल्तनत काल का दौर जो है समाप्त हो जाता है। तो ये तो दोस्तों बाद की चीजें हैं, बाद में से हम देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हम उसकी बात करेंगे। अभी हम गुलाम वंश पर फोकस करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। पहला जो दोस्तों प्रश्न आ रहा है हमारे सामने, वो आ रहा है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। अभी दोस्तों मैंने डिस्कशन में आपको बता दिया इसका आंसर, चार ऑप्शन आपके सामने, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया और बलबन। राइट आंसर क्या है दोस्तों, चलिए फटाफट करते हैं। पहला राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। कब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। ये पोलो खेल रहा होता है, जिसे चौगान कहते हैं, घोड़े पर सवार होकर यह खेल खेला जाता है। उसी दरमियान घोड़े से जो है गिर जाता है और गिर जाने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, बेचारा लुढ़कते लुढ़कते मर जाता है। तो 1206 में इसके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। इससे पहले तुर्क सत्ता की स्थापना मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई थी और ये त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद ही इसकी स्थापना कर दी गई थी और मोहम्मद गौरी भी 1206 में मर जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कभी भी सुल्तान की उपाधि दोस्तों धारण नहीं करता है, यह हमेशा अपने आप को मलिक या सिपा सलार ही कहता है। चूँकि गुलाम था, गौरी का गुलाम हुआ करता था, इसलिए इसने इतने कभी हिमाकत नहीं दिखाई कि गुलाम वंश की स्थापना के बाद भी खुद को ये सुल्तान कहे, तो सुल्तान कहलाने वाला यह शासक नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक जो बहुत बड़ी खासियत है, ये दान दहेज करने में काफ़ी विश्वास करता था, काफ़ी दानी और उदार किस्म का व्यक्ति था। इसी के वजह से यह लाख बख्श या खुदा बख्श भी कहा जाता है, इसकी उपाधि है लाख बख्श और खुदा बख्श। लाखों को बख्श कर देने वाला या खुदा बख्श, ठीक है, दान करने वाला व्यक्ति भी इसे बोला जाता है। इसके समय में और जो दोस्तों महत्वपूर्ण जो घटना हुई, ठीक है, कुतुब मीनार का जो है निर्माण, कुतुब मीनार की नींव डालने वाला व्यक्ति यही कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। आज जो कुतुब मीनार आप देख रहे हैं, इसके निर्माण के पीछे जो है पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। हालांकि बहुत ही जल्द मर जाता है, इसलिए कुतुब मीनार का निर्माण अधूरा ही रह जाता है। बाद में इल्तुतमिश के द्वारा इसके निर्माण कार्य को दोस्तों पूरा कर दिया जाता है। तो इसकी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही डाली जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कहाँ नींव डाली गई थी कुतुब मीनार की, तो दिल्ली में डाली गई थी दोस्तों, ठीक है, दिल्ली में इसकी जो है नींव डाली गई थी। और उस समय जो था सूफी संत, महत्वपूर्ण सूफी संत थे दिल्ली के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी के याद में कुतुब मीनार बनाया गया था, ठीक है, इन्हीं के याद में कुतुब मीनार की जो है नींव डाली गई थी और इनके नाम पर इसे कुतुब मीनार भी इसका नाम रखा गया। एक्चुअली एक टावर ऑफ विक्ट्री के रूप में है, साइन है टावर ऑफ विक्ट्री का, यानी विजय का जो है साइन है, जीत का जो है एक दोस्तों साइन है कुतुब मीनार। जब तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई थी, उन्होंने कुतुब मीनार मेहरौली वाली जगह में बनाया। ये तुर्कों की सत्ता को दिखाते हैं, तुर्कों की जीत को दिखाते हैं जो भारत पर इन्होंने हासिल की थी। ओके, इसके अलावा दोस्तों इसी कुतुब मीनार के परिसर में और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में ही, जिसका निर्माण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। इसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्हीं के द्वारा दोस्तों बनाया गया है। दरअसल क्या हुआ कि 1192 में जब युद्ध जीत लिया गया गौरी के द्वारा, त्राइन का दूसरा युद्ध, और तुर्कों की सत्ता स्थापित हो गई, तो गौरी जो थे अपने सेना और लाल लश्कर के साथ दोस्तों अजमेर से जो था गुजर रहे थे। और अजमेर में एक महत्वपूर्ण मंदिर थे, उसमें सरस्वती मंदिर, एक संस्कृत कॉलेज थी जो काफ़ी भव्य था। यह जो था बिग्रहराज के द्वारा बनाया गया था, उसी बिग्रहराज के द्वारा बनाया गया था जिसके भतीजा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्होंने त्राइन का युद्ध लड़ा था। तो उनके उनके द्वारा ही जो था यह मंदिर बना था, संस्कृत कॉलेज जो था। तो ये जो संस्कृत कॉलेज था दोस्तों, जिसमें देवी सरस्वती की मंदिर थी, काफ़ी भव्य मंदिर हुआ करता था। अब इस पर जो था नज़र मोहम्मद गौरी की पड़ती है और मोहम्मद गौरी के जो ये सेवक हैं, यानी कि गुलाम हैं, उनके सेनापति हैं कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो मोहम्मद गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश देता है कि ये जो भव्य मंदिर है जिस पर मेरी निगाहें टिक गई है, इस मंदिर को तोड़कर जो है जल्द से जल्द मस्जिद बना दिया जाए। अब चूंकि मोहम्मद गौरी वहाँ से गुजर रहा था तो उसके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं था कि 2-4 महीने या 2-4 साल रुक कर वहाँ पर जो है मस्जिद निर्माण का जो प्रक्रिया को देखे और मस्जिद बनने तक जो वहाँ पर बैठा रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने आदेश दिया अपने मजदूरों को कि शासक का चूंकि आदेश है, गौरी का आदेश है कि यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया जाए, तो लोग जो है मस्जिद निर्माण में लग गए। तो आनंद फानंद उन्होंने मस्जिद को तो बनाया नहीं, ये जो पहले से जो मंदिर थी, जो संस्कृत कॉलेज है देवी सरस्वती की जो मंदिर थी, इसके ही कुछ हिस्सों को इन्होंने तोड़ दिया और एक दीवाल सा खड़ा कर दिया वहाँ पर, एक दीवाल सा खड़ा कर दिया जहाँ मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है नमाज अदा किया गया। और चूंकि इस दीवाल के निर्माण में 60 घंटे लगे यानी करीब करीब 2.5 दिन लगे, इसलिए 2.5 दिन झोपड़ा के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध हो गया है। ये जो अजमेर में स्थित है कुतुबुद्दीन के द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा, और इसके पीछे जो मूल कहानी है दोस्तों ये, इसलिए इसका नाम भी 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसे लाख बख्श के नाम से, या फिर कह लीजिए अभी मैंने बताया, या खुदा बख्श के नाम से जाना जाता है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और लास्ट ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? राइट आंसर गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। इसे ही लाख बख्श, खुदा बख्श कहा जाता है। इसकी अपनी जनरोसिटी यानी कि उदारता की वजह से काफ़ी लिबरल किस्म का इंसान था और दान दहेज करने में, गरीबों को दान वान देने में काफ़ी विश्वास करता था, लाखों का दान दे दिया करता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या खुदा बख्श भी दोस्तों कहा गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? चलिए दोस्तों, मैंने अभी चर्चा किया 2.5 दिन का झोपड़ा, और नीचे आप इस फिगर को भी देख पा रहे होंगे, अजमेर में स्थित है यह 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। चलिए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? पहला ऑप्शन है मस्जिद है, दूसरा है मंदिर है, तीसरा है संत की झोपड़ी और चौथा ऑप्शन है मीनार है। जाहिर है दोस्तों क्या होगा 2.5 दिन का झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा अब जो है मस्जिद है। किसी ज़माने में ये हिंदू मंदिर हुआ करता था, ठीक है, संस्कृत कॉलेज और हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ फोड़ कर इन्होंने, किन्होंने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसके कहने पर, तो मोहम्मद गौरी के कहने पर 2.5 दिन में बना दिया। 2.5 दिन में चूंकि निर्माण वो पूरा बना हुआ नहीं था, अधूरा था, एक दीवार ही बनी थी, बाद के वर्षों में यानी कि 12वीं सदी के अंतिम दशक तक इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, आगे चलकर इल्तुतमिश ने भी इसके निर्माण में सहयोग किया था, तो तब जाकर 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आज के इस इंटैक्ट फॉर्म में, आज जो आज इस फॉर्म में देख रहे हैं आप, ये बाद के वर्षों में आया। 2.5 दिन में कुछ खास बन नहीं सकता था दोस्तों, 2.5 दिन में तो कुछ खास हो नहीं सकता था, इसलिए तत्काल एक दीवार बना दिया गया, एक दीवार जिस पर जो जाकर जो गौरी जो है अपना नवाज अदा कर सके। अब 2.5 दिन में ये सारा काम किया गया, 60 घंटे के अंदर मंदिर को तोड़ फोड़ा गया और उस दीवार को बनाया गया, तो ये जो है 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका निर्माता कौन थे, जिसका निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर। ये देख रहे हैं आप इमेज 2.5 दिन का झोपड़ा का ही है जो अजमेर में स्थित है, तो इससे बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो अजमेर में स्थित है, किसने बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, इसके पीछे की कहानी क्या है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण निर्माण है, ये इस्लामी स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण निर्माण है और शुरुआती निर्माण में से इसे एक मान सकते हैं, शुरुआती मस्जिद है। अगला जो दोस्तों है क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो यहाँ दोस्तों आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 4 ऑप्शन आपके सामने, लाहौर, दिल्ली, अजमेर और लखनऊ थी। आप जब सल्तनत काल में दोस्तों जाएंगे तो ज़्यादातर देखेंगे राजकाज का संचालन जो दोस्तों हो रहा है वो दिल्ली से ही हो रहा है, दिल्ली यानी सेंटर है, वहीं से शासन सत्ता चलाई जा रही है, यहाँ सारी व्यवस्था जो है चलाई जा रही है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था, शुरुआती दौर में दिल्ली सत्ता के केंद्र में नहीं हुआ करती थी। जब शुरुआती दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर इससे पहले जो गौड़ी आए थे, इन्होंने जब सत्ता कायम की, तुर्कों की सत्ता कायम की और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना किए गए, तो उस समय जो था दिल्ली सल्तनत का जो केंद्र बिंदु था, जहाँ से राजकाज चलता था, जिसे आप राजधानी कहते हैं दोस्तों, वो लाहौर हुआ करता था। बाद के वर्षों में जब इसके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आएंगे और इनके खुद दामाद हैं इल्तुतमिश, तब जाकर वो अपने सत्ता का स्थानांतरण करेंगे, सॉरी सत्ता का स्थानांतरण नहीं, राजधानी का स्थानांतरण करेंगे और राजधानी का स्थानांतरण करके इसे जो है दिल्ली लेकर आएंगे, तब से जो है वो दिल्ली जो है शासन सत्ता के केंद्र बिंदु में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे, 1210 तक की बात करेंगे, तो लाहौर ही वो जगह है जो दिल्ली सल्तनत की उस समय राजधानी हुआ करती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया पूछा जा रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, चौथा ऑप्शन है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिन्होंने निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं है। कुतुब मीनार के निर्माण में दोस्तों समय समय पर कई लोगों का योगदान है, मैं इसकी अभी चर्चा करूंगा। इससे पहले कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, राइट आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। आगे चलकर जो इल्तुतमिश ने जो है 3 मंजिल और जोड़ दी तो 4 मंजिल का हो गया। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक ने मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया, ये आप देख ही रहे हैं। चलिए मैं आप विस्तार में इसे बता देता हूँ, इसकी कहानी क्या है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या था, ऑप्शन सी, यानी गियासुद्दीन तुगलक। दरअसल दोस्तों कुतुब मीनार की दोस्तों बात करें तो इसकी नींव तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही डाली गई थी, कोई शक नहीं है, 1193 में इसकी नींव डाली गई थी, लेकिन इसके पीरियड में इसका पूरा निर्माण हो नहीं सका था, तो बाद के जो शासक इल्तुतमिश आते हैं इसके निर्माण को पूरा करते हैं। शुरुआती वर्ष में दोस्तों ये 1 मंजिला ही हुआ करती थी, केवल 1 मंजिल ही था, जबकि आज आप दिल्ली जाएंगे और कुतुब मीनार को देखेंगे तो 5 मंजिली इमारत है, एक टावर है जिस पर 5 मंजिल है। तो शुरू के दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जब निर्माण किया गया तो 1 मंजिला ही था, बाद में जब अगले शासक इल्तुतमिश आते हैं तो ये 3 मंजिल अतिरिक्त इन पर जोड़ देते हैं, तो ये 3 मंजिल का निर्माण और हो जाता है, तो इससे ये 4 मंजिली हो जाती है। 1369 में दोस्तों बिजली गिर जाती है इस कुतुब मीनार के ऊपर, और कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिरने से क्या होती है कि ये नष्ट हो जाती है, ऊपरी जो 4थी मंजिल थी वो नष्ट हो जाती है। अब 1369 में कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था, तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि 4थी मंजिल जो कि नष्ट हो जाती है उसके जगह पर 4थी मंजिल की चूंकि लंबाई यानी कि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी तो उसके जगह पर वो छोटा छोटा 2 मंजिल बना देता है, तो ऑलमोस्ट पहले से 3 था नीचे और 4थी मंजिल को हटाकर 2 और जोड़ दिया जाता है तो 3 से ये 5 मंजिला हो जाती है। फिर 1505 में फिर से भूकंप आती है और भूकंप आने के बाद फिर से नष्ट वर्ष हो जाता है, तो फिर से इसके रिस्ट्रक्चर में योगदान देता है कौन सा, लोधी वंश के लोग इसका योगदान देते हैं, सिकंदर लोधी के द्वारा योगदान दिया जाता है। आगे चलकर दोस्तों फिर जो है भूकंप से प्रभावित होता है ब्रिटिश काल में, तो ब्रिटिश लोगों के द्वारा भी इसके रिस्ट्रक्चर में योगदान दिया गया है। आज ये हमारा जो है विश्व विरासत स्थल है, बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, दिल्ली में स्थित है, मेहरौली में दोस्तों ये जान ही रहे हैं। इसी कुतुब मीनार के परिसर में दोस्तों जो है वो विश्व प्रसिद्ध लोह स्तंभ स्थित है, जो गुप्त काल के दौरान चंद्र द्वितीय के द्वारा यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित की गई थी, तो बहुत पहले का है, और बाद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। इसी कुतुब मीनार का दरवाजा है दोस्तों अलाई दरवाजा, सॉरी इसी कुतुब मीनार में जो दोस्तों कुबतुल इस्लाम मस्जिद स्थित है जिसके निर्माता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ओके, और इन्होंने एक दूसरा जो मस्जिद बनाया था वो अजमेर में बनाया था, जैसा मैंने भी बताया कि 2.5 दिन का झोपड़ा। ओके चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। मैंने शुरू में ही दोस्तों जिक्र कर दिया था, आपको याद होगी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा। 1206 में गद्दी पर बैठता है, सुल्तान की उपाधि धारण करता नहीं है, खुद को सिपा सलार या मालिक के नाम से ही जानता है। ठीक है, लाख बख्श और खुदा बख्श कहलाता है, कुतुब मीनार की नींव डालता है, इसके अलावा कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाता है, अजमेर में जाकर 2.5 दिन का झोपड़ा ही बनाता है, तो काम तो काफ़ी ज़्यादा करता है, लेकिन इसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। 1206 में बेचारा गद्दी पर बैठता ही है, गुलाम उसकी स्थापना करता है, और 1210 ईस्वी में बेचारा लुढ़क जाता है घोड़े पर से लुढ़क जाता है। चौगान खेल रहा होता है, जो पोलो किस्म का, जो आज जो हम पोलो खेलते हैं घोड़े पर चढ़कर, आप लोगों में से कईयों ने देखा होगा, तो यही खेल खेला जा रहा था, चौगान यानी पोलो का खेल खेला जा रहा था। इसी दरमियान जो एक्सीडेंटल इनकी डेथ हो जाती है, घोड़े से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि इनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मार दिया और हत्या कर दी, बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कुछ था नहीं, तो ये होगा नहीं। दूसरा है, पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन एल्दोज के साथ हुई झड़प या युद्ध और उसमें इनकी मृत्यु हो गई, तो यह भी गलत है। फिर अगला है, बुंदेलखंड के किले कालिंजर पर घेरा डाला और घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी जिसके कारण बाद में मृत्यु हो गई, तो यह भी बिल्कुल गलत है। और लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी देखते हैं, इसमें कह रहा है कि चौगान की क्रिया के दौरान अश्व से गिरा यानी कि घोड़े से गिरा और घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। इसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना प्राण का त्याग करते हैं, चौगान खेल रहा था घोड़े पर चढ़कर, एक खेल है, और इसी खेल के दौरान एक्सीडेंटल जो घोड़े से गिर जाते हैं, घोड़े से गिर जाने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे और अगले जो उत्तराधिकारी थे इस गुलाम वंश के इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
कहते हैं निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो दोस्तों इल्तुतमिश का पीरियड क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। इल्तुतमिश का पीरियड 1210 से तो शुरुआत होता है, क्योंकि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और ये 1236 तक दिल्ली के सत्ता पर कायम रहता है गुलाम वंश के शासक के रूप में। खुद को यह इल्तुतमिश जो है शमसी वंश का मानता है। किस वंश का मानता है? तो शमसी वंश का मानता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसका संबंध किस वंश से है इल्तुतमिश का, तो शमसी वंश से। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और ये खुद भी गुलाम था। ओके, प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? अब देखिए दोस्तों, पहले जो सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी वो दिल्ली नगर कहाँ थी? लाहौर थी, यानी लाहौर जो राजधानी थी और वहीं से शासन सत्ता का संचालन हो रहा था। लेकिन अब दिल्ली बनने वाली है, तो दिल्ली कौन बनाएगा दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और मुजद्दीन गौरी। गौरी ने बनाया नहीं, रजिया तो बाद की है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिम्मत दिखाया नहीं, तो कौन दिखाएगा हिम्मत? ये हिम्मत दिखाएगा इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अगला उत्तराधिकारी होने वाला है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से हटा के राजधानी को दिल्ली लेकर चलाएगा, दिल्ली लेकर आ जाता है और दिल्ली से ही शासन सत्ता का संचालन होता है। इसके बाद के जो भी शासक अब आने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाले हैं, सभी अपनी शासन सत्ता का संचालन इस दिल्ली से ही करेंगे और दिल्ली ही राजधानी रहने वाली है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? चार ऑप्शन है आपके सामने, नसरुद्दीन महमूद, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है आराम शाह और चौथा ऑप्शन है बलबन। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इल्तुतमिश वह शासक था जिसने इस सल्तनत की यानी दिल्ली सल्तनत की जो है राजधानी को दिल्ली बनाया, दिल्ली को जो है उसका राजधानी बनाया और साथ ही साथ नियमित तौर पर सिक्के जारी किए। इसलिए क्योंकि इससे पहले जो शासक आए, चाहे गौरी की बात कर लें या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लें, उसके बाद के शासक, ये दोनों हड़बड़ाहट में ही चल बसे, मतलब आए और चले गए। कब आए और कब चले गए कुछ पता ही नहीं चला। तो इनका चूंकि कार्यकाल ज़्यादा लंबा रहा नहीं, स्टेबल नहीं हुआ और दिल्ली सल्तनत उस समय पूरी तरह से वेल स्टेबल भी नहीं हुई थी। बहुत सारी समस्या थी, राजनीतिक समस्या थी, बाउंड्री को लेकर समस्या थी, काफ़ी सारे विरोधी थे जिन्हें निपटाना भी बाकी था। तो इल्तुतमिश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, पहला सौभाग्य तो ये मिला कि लाहौर से दिल्ली जो है केंद्र को लाया गया, राजधानी को लाया गया, और दूसरा जो सौभाग्य मिला नियमित सिक्के चलाने का, टंका और जीतल, ठीक है, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए। चांदी का जो है जीतल चलाया गया और तांबे का जो है टंका जो है जारी किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश के द्वारा एक नई व्यवस्था जो लागू की गई वो इकता व्यवस्था लागू की गई, इकता व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद दीवान अर्ज का जो गठन किया गया, दीवान अर्ज सैन्य विभाग हुआ करता था दोस्तों, इसका गठन भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया। दीवाने अर्ज का जो है राजकार्य चलाने के लिए, सैन्य प्रशासन के लिए जो है दीवाने अर्ज का गठन किया गया, एकता व्यवस्था लाई गई और सिक्के भी जारी किए गए। इल्तुतमिश दोस्त वो पहला शासक था जिसने खलीफा से, बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी और अपने उत्तराधिकार को वैधता प्रदान की। इससे पहले के शासक के पास ये समय नहीं था और वे ऐसा कर नहीं सके, तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त की और इस प्रकार खलीफा के नज़र में और इस्लाम के नज़र में अपने सल्तनत को, अपने शासन को इन्होंने वैधता प्रदान की। तो ये सारे काम जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? ये प्रश्न है आपसे। पहला ऑप्शन है ऐवाज, दूसरा ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, तीसरा ऑप्शन है अली मर्दान और चौथा ऑप्शन है मालिक जानी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐवाज को जो है इल्तुतमिश द्वारा बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया गया। सूबेदार कहा जाता था दोस्तों जिसके पास दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकार हुआ करते थे, ऐसे व्यक्ति को सूबेदार कहा जाता था। काफ़ी बड़ा पोस्ट हुआ करता था अपने सल्तनत काल के पीरियड में सूबेदार। ये उस स्टेट का जो था दीवानी मामला, यानी कि राजस्व संबंधी सारे मामलों को देखता था, साथ ही साथ फौजदारी मामले की व्यवस्था जो था इसके अंतर्गत की जाती थी। तो प्रथम जो सूबेदार नियुक्त किया गया था दिल्ली सल्तनत की इल्तुतमिश की ओर से बिहार में, वो जो था ऐवाज था। ओके दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? चार ऑप्शन है आपके पास, रजिया सुल्तान, दूसरा चांद बीबी, तीसरी दुर्गावती और चौथी जो है नूरजहां। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर आपको पता होगा, क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के यानी दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली में जो सल्तनत काल का पीरियड है उसकी बात की जा रही है। अब पूछा जा रहा है कि महिला शासिका प्रथम कौन थी, तो महिला शासिका प्रथम कौन हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन है रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान की हम बात करें तो इनका पीरियड रहा 1236 से शुरू होता है और 1236 से शुरू होकर जो है ये 1240 तक इनका पीरियड है। ओके, ये थ्री है दोस्तों, 1236 से 1240 ये पीरियड है, यानी कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 4 वर्ष इनका जो है शासन रहता है। दरअसल रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिस की बेटी थी और इल्तुतमिस के पास ऐसा नहीं था कि बेटा नहीं था, बेटा भी था, बहराम शाह उसका बेटा था, लेकिन चूंकि बेटा नालायक था उसमें शासन चलाने की योग्यता नहीं थी, ऐसा इल्तुतमिस को लगता था कि बेटा बिल्कुल ही नालायक है, शासन करने की योग्यता नहीं है, उससे बेहतर हमारी बेटी रजिया सुल्तान है। तो रजिया सुल्तान को ये अधिकार मिल गया इल्तुतमिस की ओर से, जब इल्तुतमिस जीवित था उसने ही रजिया सुल्तान को अपना अधिकारी घोषित किया था और रजिया सुल्तान इस तरीके से जो है दिल्ली की प्रथम महिला शासक, सल्तनत काल की पहली महिला शासक बनी। अब रजिया सुल्तान की दोस्तों बात करेंगे, रजिया जो है पुरुषों की तरह भेषभूषा रजिया ने धारण कर लिया सुल्तान बनने के बाद और सुल्तान और जो है शासन सत्ता का संचालन करने लगा। अब चूंकि मध्यकाल का दौर है दोस्तों और पुरुषवादी सत्ता है, चारों ओर पुरुषों का ही बोलबाला है और ऐसे में एक जो है लड़की है, एक जो है औरत जो है सुल्तान बन चुकी है और ये लोगों को डोमिनेट कर रही है, ये पुरुषों को नागवार गुजरा, उस समय के जो अमीर थे जो खान लोग हुआ करते थे उन्हें नागवार गुजरा और इन्होंने विद्रोह कर दिया रजिया के खिलाफ। और रजिया को विद्रोह करने के बाद जो है रजिया के खिलाफ जब विद्रोह हो गया तो विद्रोह करने के बाद रजिया को सत्ता से हटा दिया गया और फिर इसके जो रजिया का जो भाई था बहराम शाह उसको सत्ता सौंप दी गई। ओके, इससे पहले रजिया ने कुछ काम किया, रजिया ने जो विवाह किया वो अल्तुनिया से अपना विवाह किया, अल्तुनिया इसका हस्बैंड हुआ करता था रजिया सुल्तान का। और जलालुद्दीन याकूत जो एक किस्म का जो था एक किस्म का जलालुद्दीन याकूत को आप क्या कह सकते हैं, मतलब जलालुद्दीन याकूत वो व्यक्ति था जिसे रजिया सुल्तान के द्वारा जो था अमीर आखुर के पद पर बैठाया गया था। अमीर आखुर जो है असोसाला का प्रधान होता था, असोसाला का मतलब होता है दोस्तों जहाँ सारे घोड़ा जो है सल्तनत के सारे जो घोड़े हैं वहाँ उनकी देखभाल होती थी, वहाँ उन्हें रखा जाता था और उसके प्रधान के रूप में अमीर आखुर के रूप में जो था जलालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया गया। और ये सल्तनत काल में दोस्तों बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती थी, काफ़ी प्रभावशाली पोस्ट माना जाता था। तो ये सब चीज़ें अल्तुनिया से विवाह करना और प्लस जलालुद्दीन याकूत जैसे व्यक्ति को जो है असोसाला यानी अमीर आखुर का जो है प्रधान नियुक्त करना, ये वहाँ के अमीरों को नागवार गुजरा, अमीर आखुर असोसाला प्रधान जहाँ की घोड़े को रखा जाता था, ठीक है, इसके प्रधान बनाया गया। तो रजिया को, रजिया ने जब ये काम किया स्वतंत्र रूप से तो ये वहाँ के अमीरों को नागवार गुजरा और परिणाम क्या हुआ कि अमीरों ने जो है इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके रजिया को सत्ता से हटाकर बहराम शाह को शासक जो है वो बना देते हैं। रजिया की जो है मृत्यु हो जाती है अल्तुनिया, रजिया की मृत्यु हो जाती है डाकू द्वारा कर दी जाती है, डाकू द्वारा रजिया और साथ ही साथ इसके हस्बैंड अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। कैथल एक जगह है जो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में जो था इनका एक तरीके से कह लें आप मर्डर हो जाता है, असैसिनेशन हो जाता है। इस प्रकार से रजिया का जो है टर्म समाप्त हो जाता है और फिर अगले जो शासक आते हैं वो बहराम शाह आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? चार ऑप्शन आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिस, बलबन और ऐबक। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिस। इल्तुतमिस वो शासक था जिसके समय में चंगेज खां जो कि मंगोलों का नेता हुआ करता था मध्य पश्चिम एशिया का जो था ये हीरो हुआ करता था, बहुत बड़ी साम्राज्य कायम कर रखा था इन्होंने मंगोलों ने। तो इल्तुतमिस के शासनकाल में जो है उत्तर पश्चिम भारत की सीमा पर जो है ये आते हैं और उस समय इल्तुतमिस के पीरियड में भारत पर आक्रमण की इनकी संभावना भी बन जाती है। एक्चुअली ख्वारिज्म शाह जो कि मध्य एशिया का जो था शासक हुआ करता था उसके बेटा थे जलालुद्दीन मंगवर्नी और मंगवर्नी के ऊपर ये जो है चंगेज खां के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। तो मंगवर्नी भाग कर जो है दिल्ली सल्तनत पहुंच जाता है, इल्तुतमिस के पास पहुंच जाता है, इल्तुतमिस से जो है पेट्रोनेज यानी कि संरक्षण मांगता है कि राजनीतिक संरक्षण हमें दीजिए, हमें जो है चंगेज खां के हाथ से बचाइए।
ठीक है। तो इल्तुतमिश जो है बहुत ही होशियार शासक है, क्योंकि चंगेज़ खान ने पहले से ही एक दूत जो है इल्तुतमिश के पास यानी दिल्ली के पास जो है भेज रखा है और ये कहलवा रखा है कि यदि इल्तुतमिश गलती करता है यानी मंगवर्नी को राजनीतिक संरक्षण अपने दरबार में देता है तो उसका खमियाजा इल्तुतमिश को यानी दिल्ली सल्तनत को भुगतना पड़ेगा और हम लोग यानी कि मंगोल लोग जो है वो चंगेज़ खान के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण कर देंगे। तो इल्तुतमिश चूँकि होशियार शासक था और अभी अभी दिल्ली सल्तनत कायम ही हुई थी, अभी तो सुखभोग बेचारा किया भी नहीं था, तो सोचा कि बेकार में जो फजीहत मोल लें, मंगवर्नी को क्यों जो है हम जो है संरक्षण दें और क्यों बेवजह मंगोलों के आक्रमण को झेले, तो इन्होंने जो था इससे इनकार कर दिया यानी जलाउद्दीन मंगवर्नी को इन्होंने राजनीतिक संरक्षण देने से इनकार कर दिया। फलतः जलाउद्दीन मंगवर्नी जो है 1224 में जो है दिल्ली से बाहर चला जाता है, फिर से वापस अपने एरिया की ओर चला जाता है और इसी के साथ जो है भारत पर जो मंगोलों का भावी आक्रमण होने वाला था वो बहुत बड़ा खतरा जो है